जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला सेंटर में। आज का हमारा वीडियो है आम आदमी बीमा योजना। आम आदमी बीमा योजना को आगे पढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि बीमा होता क्या है। जैसे सभी को पता होगा एलआईसी सबका बीमा करती है जीवन बीमा, उसी प्रकार भारत सरकार एलआईसी के द्वारा सभी व्यक्ति जो इसमें पात्र हैं, भूमिहीन परिवार हैं, मजदूर हैं, बीपीएल परिवार हैं, उस परिवार के किसी एक मुखिया का आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करवाती है, उसी का हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो ये रहा इसकी पृष्ठभूमि। तो अब इसकी शुरुआत कब से होती है, 2/10/2007 से होती है। छत्तीसगढ़ में ये 2009 से लागू हुआ है। उद्देश्य बताइए, भारत सरकार का उद्देश्य है कि गरीब परिवार, मजदूर, बीपीएल परिवार का बीमा करना, इसका उद्देश्य है। और इसका नेक्स्ट उद्देश्य है उसको सामाजिक सुरक्षा देना, सामाजिक सुरक्षा योजना है इसकी। एक सामाजिक सुरक्षा योजना कि देश के प्रत्येक ऐसे परिवार जो दीनहीन है, उसके पास भूमि नहीं है, बीपीएल परिवार है, उनकी आय को बढ़ाना या फिर उनकी एक सामाजिक उनको सुरक्षा देना कि उनके बाद उनकी परिवारों का कोई अहित ना हो, इस प्रकार इस उद्देश्य से उनका बीमा कराती है। तो इसकी बीमा कंपनी है आपकी जानी मानी कंपनी LIC, जो एक गवर्नमेंट संस्था भी है। अब पात्रता कौन होगा इसमें देखिए, तो भूमिहीन परिवार का मुखिया या रोजगार करने वाला व्यक्ति। देखिए, यदि भूमिहीन परिवार का कोई मुखिया है तो उसका होगा या फिर रोजगार करने वाले व्यक्ति का। अब ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। इसका आयु है 18 से 59 वर्ष। यदि एक परिवार है उसमें एक मुखिया है और एक रोजगार करने वाला व्यक्ति है, लेकिन इस मुखिया की जो आयु है ये 59+ हो चुकी है। और हमें पात्रता में हमने पढ़ा है कि 18 से 59 के बीच होना चाहिए। यदि वो 59+ हो चुका है तो जो रोजगार कमाऊ व्यक्ति है, जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच है, तो इनके नाम पर बीमा कराया जाएगा। नेक्स्ट, अब इसकी हम प्रीमियम की बात करते हैं। आपको पता होगा जैसे आप कहीं से अपना वो कराए होंगे बीमा, तो उसको हमेशा एक आपको प्रीमियम देना रहता है। तो इसकी प्रीमियम है ₹200 वार्षिक। ₹100 आपका केंद्र सरकार देगी और ₹100 राज्य सरकार देगी, 50-50। इसका रेशियो है 50-50 का इसमें रेशियो है ऐसा। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी क्वेश्चन पूछता है कि आम आदमी बीमा योजना अंतर्गत किसी परिवार के मुखिया या रोजगार को कितना रुपया प्रीमियम देना है, तो उसको ₹0 प्रीमियम देना है, उसको एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, सारा पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर वहन करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये याद रखिएगा इसका प्रीमियम कितना होता है और इनको कौन कौन भुगतान करता है, और हितग्राही के द्वारा एक भी पैसा भुगतान नहीं किया जाता। अब ये बीमा की कुछ राशियाँ देखिए, जैसे आपका बीमा हो गया उसके बाद आपको लाभ कैसे मिलेगा या फिर उसके परिवार को कैसा लाभ मिलेगा, ये है। मुखिया के या जिसके नाम पर आपका बीमा किया गया है तो उसकी सामान्य मृत्यु हो जाती है तो उसको ₹30,000 दिया जाएगा। यदि दुर्घटना से मृत्यु होती है तो ₹75,000 दिया जाएगा। सामान्य मृत्यु होती है कि वो अपने ही मौत मर गया घर में, सिंपली घर में किसी बीमार है या फिर उसका एज हो गया है, इस प्रकार यदि उसकी मृत्यु होती है तो उसको हम सामान्य मृत्यु में गिनते हैं, तो उसको शासन आपको देगी तीस हज़ार रुपये देगी। और दुर्घटना से यदि मृत्यु होती है, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है और कुछ हो गया, तो इस प्रकार की मृत्यु की स्थिति में उस ₹75,000 परिवार को मिलता है। यदि उनकी स्थायी अपंगता हो गई, कोई हाथ पैर टूट गया, इस स्थिति में 2 उंगली 2 कान 1 आँख, इस प्रकार यदि कुछ हो जाता है किसी उस मुखिया को, तो उसको ₹75,000 प्रदान किया जाएगा। और कुछ आंशिक विकलांगता हो गई, आंशिक मतलब वो बाद में ठीक हो सकता है, स्थायी विकलांगता नहीं। स्थायी विकलांगता का मतलब होता है यदि आपका पैर कट गया तो दोबारा आ नहीं सकता, लेकिन यदि आपका पैर किसी में लग गया, हड्डी का फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, तो आपको ₹37,500 दिया जाएगा।
बीमित व्यक्ति के परिवार के दो बच्चों को जो 9 से 12 तक पढ़ रहे हैं उनको एक राशि दी जाती है 100 रुपये प्रतिमाह, केवल दो बच्चों को, एक को 100 रुपये और दूसरे को भी 100 रुपये। इस प्रकार प्रति बच्चे को 1200 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है, वो भी 9 से 12 पढ़ने वाले बच्चों को। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या फिर 9 से 12 से ऊपर हैं या नीचे हैं उनको इस प्रीमियम में के अनुसार से 100 रुपये प्रतिमाह नहीं दिया जाएगा। और पैसा वार्षिक नहीं दिया जाता है, छमाही दिया जाता है, 6 महीने में एक बार, तो एक बार जनवरी में दिया जाएगा, दूसरे बार जुलाई माह में दिया जाएगा। आगे देखते हैं अपात्रता क्या होगी। अपात्रता ये होगी कि यदि आपने आत्महत्या कर लिया, यदि आपके नाम पे आम आदमी बीमा योजना है और आपने आत्महत्या कर लिया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप यदि मानसिक रोग हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। कोई स्त्री है घर की जिसके नाम पर बीमा है, वो गर्भावस्था या प्रसव के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। युद्ध हो गया, युद्ध है, संकट है, इस प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न होती है, इस स्थिति में भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। कानून का यदि आपने उल्लंघन कर दिया, कानून को उल्लंघन कहने का मतलब है यदि आप एक मोटा मोटा आप में एक नियम मान लेते हैं, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, है ना, तो यदि आप बिना लाइसेंस के अवैध गाड़ी चला रहे हैं, ना आपके पास गाड़ी का पेपर है, ना इंश्योरेंस है, ना ही आपका लाइसेंस है, इस प्रकार यदि आप को कुछ हो गया या आपकी मृत्यु हो गई, आप अपंग हो गए, तो उस केस में यदि पास यदि यह तय हो जाता है कि आपने कानून का उल्लंघन किया है, क्योंकि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना एक कानूनी अपराध है, इस प्रकार यदि कुछ होता है तो भी आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। खतरनाक खेल में भाग ले लिए हैं, जैसे एक जल्लीकट्टू खेल है जिसमें बैल के सिंह को पकड़कर उसको कंट्रोल किया जाता है, इस प्रकार यदि कोई अपने खतरनाक खेल में भाग लिए हैं तो खतरनाक खेल में भाग लिए हैं और उसके बाद आपको मर गए या फिर आपकी आंशिक या फिर स्थायी अपंगता हो गई, तो इस स्थिति में भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। रासायनिक, जैविक, रेडियो एक्टिव के कारण मरने से भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़, 25 दिसंबर 2013 से खेतिहर मजदूर बीमा योजना के नाम से इसको जाना जा रहा है। 25 दिसंबर 2013 से खेतिहर मजदूर बीमा योजना के नाम से इनको जाना जाता है। इसके लिए पात्र होंगे 1.5 एकड़ या इससे कम जो भूमि है उसकी पात्रता के सूची में आएंगे। आम आदमी बीमा योजना का नाम हमारे यहाँ खेतिहर, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना के नाम से चलाया जा रहा है। उसमें पात्रता होगी 1.5 एकड़ कम भूमि धारक। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।